इंदौर के स्प्रिंग वैली क्षेत्र में हाल ही में एक तेंदुआ देखा गया है, जिसके बाद शहर से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने आजाद घूमने वाले तेंदुए के जल्द ही रेस्क्यू करने की बात कही है। राला मंडल क्षेत्र में तेंदुआ है और जो आप स्प्रिंग वैली की जो बात कर रहे हो वो तेंदुआ वहीं पे वहाँ से बाहर निकला है, फिर वो वापस आ गया है। तो राला मंडल में है, एक नहीं दो तेंदुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट हो चुका है, अच्छी ग्रासेस हैं वहाँ पे, और हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल बड़ा बढ़ने के कारण ये तेंदुए की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ये पिंजरे लगाने वाली बात, महू में ये पिछले 2 महीने से वहाँ पिंजरे लगाए गए हैं, महू में लगाए गए और IIT इंदौर में पिंजरे लगाए गए वहाँ पे। वहाँ पे क्या है, तेंदुआ आता है, देख के चला जाता है। वो तेंदुए को हमारा प्रयास यही है कि उसको हम रेस्क्यू करके वो लाएंगे तो हमारे राला मंडल में ही लाएंगे उसको, या फिर घने जंगल में छोड़ेंगे। तो वो अभी वो रेस्क्यू नहीं हो रहा है, वो आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आएगा, वो तेंदुआ पिंजरे में आएगा दोनों जगह। वन अधिकारी की माने तो तेंदुआ बड़े इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा था, वह शर्मिला जानवर होता है, वह छोटे जानवरों का शिकार करता है। वन अधिकारी के अनुसार तेंदुए का जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा, जिसे राला मंडल क्षेत्र या किसी घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए टोनी वेद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।